तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए PUBG मोबाइल का एक काफी खतरनाक वीडियो में। तो आज यार मैं खेलने वाला हूँ डायनासोरस मोड एंड कूदने वाले हम लोग डायनासोरस वाले एरिया में। एंड मैंने इसका वीडियो देखा तो भाई इतने ज्यादा बंदे कूदते हैं, मैंने खुद नोटिस नहीं किया था। एंड जैसे मैं यहाँ पे आया भाई मैंने बंदे देखे, मेरी तो फट के चार हो गई थी। बट जैसे तैसे करके मेरे को यहाँ पे M249 मिला एंड मैंने उठाया। एक बंदा यहाँ पे से गया, मारने का ट्राई किया बट नहीं मारा। एक बंदा मेरे को यहाँ पे दिखा, दो चार बुलेट्स मारी, नॉक नहीं हुआ था, वो भागने लगा। फिर मैंने बुलेट मारा वहाँ पे नॉक, एंड मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो गया। मैं उसको बचाने जा रहा था बट मेरा M249 पूरा रिलोड नहीं था। जैसे मैं यहाँ पे आया मेरे को पीछे से फायर होने लगा, तो मैंने कहा चलो यार पीछे वाले को मार के आता। पहले ये रहा एक बंदा, एक बंदे को नॉक किया बट यार अपना टीममेट तो यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश हो गया। यहाँ पे मेरे को फ्री का किल मिला, चलो इसको मैं पूरे का पूरा फिनिश करता हूँ। ओके एक किल मिला बट जो मैंने नॉक किया था वो किधर गया, ये भी मारा मैंने। एंड अभी मेरा M249 की सारी बुलेट्स खत्म हो गए एंड मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे को रिस्क लेके यहाँ पे गन उठाना पड़ेगा। ऐसे करता हूँ ना, यहाँ पे चल के जाता हूँ, बस यार मेरे को कोई ना मारे। चलो यार अपने को UMP मिल गई, चलते हैं मार के आते हैं। और मेरे यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे टीममेट मर चुके हैं एंड मुझे नहीं लगता ये बंदे दोबारा से यहाँ पे आएंगे। अगर अपने दोस्त रहते तो डेफिनेटली आते। तो अभी यार मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, हम लोग बाहर बाहर से फाइट लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बंदे जो है ना एकदम सेंटर में नहीं कूदे, बाहर काफी ज्यादा बंदे कूदे हैं। तो भाई यहाँ पे से चलते हैं, बस मिल जाए बंदे किस भी करके। भाई अभी मेरे को ना हालत बहुत ज्यादा खराब है, लगभग 7 बंदे एंड मैं अकेला, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं मार पाते हैं या नहीं मार पाते हैं। एक बंदा आया, आई थिंक ये वो बंदा है जो मैंने नॉक किया था। फाइनली मेरे को 3 किल मिल गए, अंदर फाइट हो रहा है भाई, लेट्स गो। हाँ इधर के साइड 2-3 बंदे थे क्योंकि मैंने देखा था वो कूद रहे थे। चलो अभी हम लोग कैंप करके बैठते हैं, जैसे बंदा दिखेगा मारने का ट्राई करूंगा। ओके यहाँ पे एक बंदा दिखा, भाई देखो किस तरीके से कैंप करके बैठा हुआ है, चल बैठे निकल आराम से, मारा इसको। भाई यार गेम प्ले जज मत करना क्योंकि यार आपको पता है मैं 3-4 साल बाद खेल रहा हूँ, ये दूसरा वीडियो है मेरा, तो अभी थोड़ा सा कंट्रोल सेटअप होने में टाइम डेफिनेटली लगने वाला है। ओके मैं एकदम से नहीं जाऊँगा, उसका टीममेट उसको बचाने के लिए डेफिनेटली आएगा ज़रूर। तो मैं यहाँ पे कैंप करके बैठने लगा, मैंने कहा चलो यार अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है चलते हैं। यार मेरे पास ना एमओ वगैरह भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे से इसकी पेटी से गन वगैरह उठाता हूँ। पीपी बाइजन मिला मेरे को, वो उठा लेता हूँ मैं। अरे पीछे से मेरे को, अच्छा ये तो बॉट है, चलो बॉट को हम लोग मारते हैं। फ्री का यार एक किल मिल गया एंड अभी अपने इस जगह में हो चुके हैं 5 किल। भाई अगर अपना टीम्स रहती ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता। एंड मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट, काफ़ी भाई लोग पूछोगे कि भाई BGMI क्यों नहीं खेलता। तो यार पहले भी जब मैं खेलता था वो PUBG KR ही खेलता था क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा पसंद आता है, फ्री में आउटफिट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये रहा देखो एक बंदा आया, लगता है ये उसी का बंदा था जो उसको मैंने अभी नॉक किया था। एकदम ड्रॉप शॉट, भाई ड्रॉप शॉट काफ़ी गजब का लगा। चलो यहाँ पे से इसके गन वगैरह उठाते हैं और अभी अपने लगभग 6 किल हो गए। मैं अपना M249 को रिलोड कर लेता हूँ बट यहाँ पे मैंने एक काफ़ी बड़ी गलती करी, मैंने UMP छोड़ दिया अपना। वैसे मेरे को UMP नहीं छोड़ना चाहिए था बट कोई नहीं, मुझे आगे की तरफ से फायर के शॉट्स आ रहे थे, मुझे लग रहा है डेफिनेटली आगे की तरफ बंदे हैं। अरे पीछे से फायर हुआ मेरे को, तो यहाँ पे ये बंदा मेरे को दिखा, मैंने इस बंदे को नॉक किया। मुझे पता चल गया था अगर ये इसके बंदे अंदर हुए तो वो डेफिनेटली आएंगे जरूर। आया भाई, ये गलत सीन है, देखो मैंने उसके हेड में इतनी सारी बुलेट्स मारी बट लिटरली वो नॉक नहीं हुआ एंड उस बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया। बट कोई टेंशन नहीं, अपना टीममेट है तो अपने को रिवाइव दे देगा, बस यार बंदे नहीं कूदने चाहिए। वैसे वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था तभी वो यहाँ पे से गया, अगर डैमेज नहीं होता तो डेफिनेटली वो मेरे को फिनिश तो करता। बट कोई नहीं, अपने टीममेट ने अपने को रिवाइव कर दिया, पहले रिवाइव होता हूँ फिर मारने का ट्राई करूँगा उसको। भाई अपना टीममेट बम से गया, वो आएगा ज़रूर बट मुझे पता नहीं था वो यहाँ पे से कूदेगा। तो भाई अब मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक ग्रीन ग्रीन कलर का एरिया था, मैंने कहा वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या मिलेगा। एंड यहाँ पे भी यार काफ़ी ज़्यादा डायनासोरस है, मैंने कहा चलो, बट ऊपर से मैंने देख लिया था यहाँ पे 2 बंदे हैं एंड देखो यार उनको किस तरीके से मारता हूँ, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा गया नॉक, इसका टीममेट उधर है, डेफिनेटली आएगा ज़रूर अपने टीममेट को बचाने के लिए। मैं पूरा पूरा इसको फिनिश करता हूँ।
हो रहा है, देखो वो बॉट मारने में बिजी है अभी, तो हम लोग इसको मार देंगे। ठीक है तो भाई लगभग 9 किल हो चुके हैं एंड अब मेरे पास टीम वगैरह नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जरूर, बट कोई नहीं, हम लोग अब यहाँ पे सब सर्वाइव करेंगे एंड मैच जीतने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इरेंगल यार काफी लंबे टाइम बाद खेल रहा हूँ मैं। लूट वगैरह उठा लिया है, हाँ इस बारी मैं यूएमपी नहीं छोड़ने वाला, यूएमपी मैं लास्ट तक लेके चलूंगा। वैसे यहाँ पे छोटे छोटे डायनासोरस हैं, यहाँ पे खाना देने का भी है, तो इनको हम लोग थोड़ा सा खाना वगैरह देखते हैं क्या देता अपने को। आ जाओ भाई आ जाओ, फूड रखा है मैंने, खा लो। आ गए सारे के सारे, आ गए भाई, ये तो खाना खाने लगे यहाँ पे। ओहो भाई गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने इनको खाना दिया, यह डेफिनेटली अपने को फूड वगैरह देने लगे हैं। यार इवेंट में खेलने का ना मजा ही कुछ अलग है, या अगर याला इवेंट अपना BGMI में आ जाए ना भाई, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो चलो अब यहाँ पे से हम लोग निकलने का ट्राई करते हैं, उसके बाद मैंने गाड़ी पकड़ा एंड हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे को बॉट मार रहा था, बट मेरे बगल से जो है ना गाड़ी निकल रहा था एक, मैंने कहा बॉट को मैं बाद में मारूंगा, सबसे पहले हम लोग इस बंदे को मारते हैं। मुझे लग रहा था ये रुकेगा जरूर, तो मैं यहाँ पे पहली गाड़ी रोक के उतर गया था एंड भागा उसको मार निकले। मैं UMP इसलिए लिया था, मुझे लगा ये रुकेगा बट रुका नहीं, मैंने गाड़ी में फायर किया बट वो फिर भी नहीं रुका और गाड़ी लेके निकल गया। तो मैंने कहा अपनी डासिया में बैठो और चलो इसका पीछा करो। पहले यार बॉट है, बॉट को क्लियर करता हूँ। गाड़ी किधर है, ये रहा अपना, गाड़ी में बैठ के निकलते हैं उसका पीछा, उसको तो मार के आऊंगा। लेट्स गो भाई, नीचे से फायर आ रहा है, बंदा 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 बंदा, नॉक लो भैया, उसके गाड़ी उसके सीने में चढ़ा दिया मैंने एंड वो बंदा तो गया। अब ऐसे करते हैं आप थोड़ा सा अपने टीममेट के साथ चलते हैं एंड मैं काफ़ी ज़्यादा घूम रहा था यार, मेरे को बंदे वगैरह नहीं मिले एंड मिले भी ना, बट वो पूरी की पूरी स्क्वाड थी एंड इतना टाइम बाद खेलना गेम एंड स्क्वाड के बीच में घुसना, मैंने कहा अगर स्क्वाड के बीच में घुसा तो मैं तो जाऊँगा, तो मैंने कहा अभी फ़ाइट नहीं लूँगा, मैं सिर्फ लास्ट में फ़ाइट लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे से घूमने लगा एंड फाइनली ये लास्ट जोन है। मेरे टीममेट्स तो मेरे साथ आ ही नहीं रहते, गाड़ी लेके जा रहा था, अगर गाड़ी में बैठते तो यार कुछ कर सकता था, बट मेरे को यहाँ पे एक डायनासोरस दिखा, मैंने कहा यार इससे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता यार इसकी पावर क्या है, अगर वो तुम्हारे बगल से भी निकला ना तो भैया तुम तो गए। मैंने फायर करने का ट्राई तो किया, थोड़ा सा डैमेज हुआ भाई, ये तो मेरे सीध तरफ लेके आ रहा है, कहीं मेरे को खुच लेगा तो नहीं, लगता मेरे को वही है, बस यही था मेरे को डर, जो डर था यार वही हुआ। बस मेरे टीममेट मार दे उनको कुछ भी करके, बट यहाँ पे मेरे टीममेट भी मर गए थे, वैसे उन्होंने यार वहाँ पे से काफ़ी गजब का फाइट दिया। अपना एक टीममेट वहाँ पे फिनिश हो गया, एक टीममेट बचा हुआ है, तो यार उसके बाद वहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे। फिर उसके बाद मैं लिविक में आया, लिविक में भी ये था, मैंने कहा यहाँ पे से तो मैं डायनासोरस लेके जाऊँगा, एकदम सेंटर में नहीं आया क्योंकि मैं कूदाने वाला नहीं था, मेरा टीममेट था उसने कूदाया, मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है क्यूब, क्या गन का क्या नाम है इसका मेरे को नहीं पता, क्यूबीजी। तो बंदा दिखा, अरे यार, अरे मारने का ट्राई करा बट कवर में गया, उनका फाइट हुआ लगता है, उसको किसी ने नॉक कर दिया, एक नॉक बंदा उसका पूरा किल लेता हूँ, चलो ठीक है भाई, दूसरे को किसने पूरा फिनिश कर दिया, लगता है इसका टीममेट मर गया था। पहले अपनी गन वगैरह चेंज करता हूँ, यहाँ पे से M249 उठाता हूँ, विक्टर है, विक्टर उठा लेते हैं क्योंकि मेरे पास UMP9 की एमो नहीं है। अब भाई यार इसको रिलोड तो किया ही नहीं मैंने, एक मेरे को नॉक बंदा और मिला एंड उसका तो मैंने यहाँ पे किल ले लिया। चलते हैं आगे,
मेडिकेट उठा लेता हूँ, एक मैंने एक्सटेंडेड उठाया क्योंकि अपने को इसमें एक्सटेंडेड की ज़रूरत है। वैसे यहाँ पे से मेरे को फायर के शॉट्स आए थे तो मैं इधर जाके देखने लगा तो बंदा ऊपर बैठा हुआ था। भाई इसको तो मारना पड़ेगा, मुंडी दिखाएगा, भरूंगा इसको। दिखाया मुंडी, तो भाई ये गया अश्विन। तो एक्चुअली मैं केआर में ना आपको इंडियंस, नेपाल, बांग्लादेश सारे बंदे मिलेंगे भाई। इसमें मजा आता है, मतलब अलग अलग देश के रहना तो उसमें ज्यादा मजा आता है। तो अपनी टीममेट सादिया ने उसको पूरा फिनिश कर दिया भाई। एक ऊपर बैठा हुआ ये बंदा आया, अरे यार बिना गन से कहां से आया, लगता है यहां पे बैठ के कैंप कर रहा था। माय लव माय लाइफ, भाई तुम्हारा लव तुम्हारा लाइफ, हमें इससे क्या, हमें तुम्हें मारने से मतलब है। भाई मेरे ख्याल से ये कूदा होगा ना तो ये आया ही नहीं नीचे। एक बंदा ऊपर भी बैठा हुआ है, उसको भी मारना है। एक बंदा ये डायनासोर के ऊपर है, देखो वो फायर कर रहा है ऊपर से, इसको मारता हूं। किधर है वो, ये रहा। चल भाई निकल, पबजी के यार में ऐसा लगता है ना जब खेलता हूं यार आधी से ज्यादा इंडियन बंदे तो इधर ही खेल रहे हैं। तो ऊपर वाला तो अरे आ गया भैया, रैक्स रैक्स आ गया। ओ भाई का मजा, इसको लेके चलता हूं और रैक्स से कुचलूंगा सबको। चलो भैया ये रैक्स मेरा है, मैं छोड़ने उठाने नहीं दूंगा किसी को। चलो मैं तो बैठ गया और निकलता हूँ, अपने टीममेट को छोड़ो। वैसे भी वो तो आएंगे नहीं, वो वीआईपी है, कूदते एक साथ में बट गाड़ी में एक साथ नहीं घूमेंगे। चलो यार मैं रैक्स लेके तो निकल गया, मजा आए। और ये बंदे दिखे आगे फायर हो रहा है, लगता है बॉट है, बॉट है तो उठा लो यार फ्री के किल्स। तो मैंने यहाँ पे एक बॉट को मारा एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे से निकले। एक और मेरे को बॉट का फायर आने लगा, लगता है यहाँ पे बॉट की पूरी स्क्वाड थी। ये रहा, हाँ बॉट का स्क्वाड था पूरा। अबे ये बॉट एक और कहाँ से आया, निकल भाई। चलो यार यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 3 बॉट्स मारे एंड अभी हम लोग यहाँ पर से निकलते हैं, थोड़ा सा लूट वगैरह उठा लेते हैं। यार आजकल तो बॉट भी गजब की लूट उठाते हैं। रैक्स में बैठो और निकलो। Let's go। तो यहाँ पे यार आपस में 2-3 गाड़ियाँ फाइट कर रही थी, मैंने कहा अब अच्छा मौका है इनको कुचलने का। भाई एक बंदे को नॉक किया, एक बंदे को पूरा फिनिश कर दिया एंड उसके बाद यार सारे के सारे बंदे मेरे रैक्स को मारने में तुले हुए थे। मैंने कहा बेटा भग ले यहाँ पे से, मर जाऊँगा। एंड मेरे रैक्स की हेल्थ जो है ना लगभग 20 HP बचा हुआ था। मैंने कहा अभी वहाँ पे जाके तो ठीक नहीं है यार, वहाँ पे 2 स्क्वाड है। और भैया रैक्स में आग निकल गई, उतर जा फटाफट से। एंड मैं जैसे ही रैक्स से उतरा और पीछे से बंदे सारे के सारे मेरे ऊपर फायर कर रहे थे, तो भाई मैं जैसे तैसे करके बच के यहाँ पे से तो आ ही गया। मैं सोच रहा था यार मेरे टीममेट आ जाएंगे तो हम लोग इनमें पुश करने का ट्राई करेंगे, तो मैंने अपना आपको सबसे पहले तो हील किया। मेरा HP भी काफी ज्यादा कम था, तो ओके यार यहाँ पे फाइनली अपने टीममेट आए, मुझे बंदे दिख नहीं रहे यहाँ पे। ओके मैंने अपने टीममेट के लिए मार्क कर दिया, बंदे उधर के साइड है, अगर जाना होगा तो चले के। एक बंदा ये रहा, नॉक हुआ, हेल वाइपर ये अंदर से मार रहा है। चल बेटे निकल। तो लगता है अब एक स्क्वाड बचा हुआ है जो कि वहां पे है। भैया ये चला ले यार गड्डी, ये नहीं चलाएगी, ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए रुकी हुई है। चलो मैंने ओ बंदा गया गया, नॉक हो गया। अभी बंदे इस घर में हैं, 2 बंदे हैं, इसको तो पूरा फिनिश ही करता हूँ मैं। चलो ये फिनिश हुआ,
एंड वहां में मुझे लगा बंदा है बट वहां पे डायनासोरस था। एक ग्रेनेड कुक करता हूँ, ग्रेनेड मारने का ट्राई करूंगा। क्यों ऊपर चलें? मुझे नहीं लगता ऊपर जाके कोई फायदा है। ग्रेनेड कुक करके ग्रेनेड फेंकते हैं। सो फाइनली गाइस, विनर विनर चिकन डिनर। इरेंगल में नहीं हुआ तो क्या, लिविक में तो हो ही गया। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मन करे तो आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।